अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू भाई। क्या हाल आप सब का? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। भाइयों, मैं और फैजी जो है ना, आज भाई मौसम इंजॉय कर रहे हैं। सही बात है, चेक करो यार, क्या लेवल का मौसम भाई आज बना हुआ है। सुबह से बारिश चल रही थी यार, आज तो वह है हमारा जिमी, हमने जाना भी है भाई। अरे चलते हैं, बस यार मैं थोड़ा बारिश का इंतजार कर रहा था ना। हाँ बस ठीक है भैया, बारिश रुक गई है, जिमी निकलते हैं फिर। हाँ चल आ जा, बस चलते हैं भाई। अभी आपको बताते हैं भाई क्या सीन है यार, जिधर हम जा रहे हैं। सबसे पहले चेक करो भाईजान, रीबर्थ आई हुई थी यार सुबह आज एक। ये हमने जरा थोड़ा ना इसको भाई डिटेल शेल करना था, और इसकी पेंट कुरेक्शन होने वाली थी। खैर भाई, ये काम तो यार हमने कर दिए, अब थोड़ा बहुत जो काम है ना वो करेंगे भाई बैनी भाई। क्योंकि बैनी भाई जो है ना भाई, आप समझ सकते हो कि यार हमारे ना इस मिनी मैकेनिक के थोड़े पार्टनर भी हैं, ठीक है। कुछ काम फिर हम बैनी भाई से भी करा लेते हैं। अभी एक गाड़ी जो है ना वो भाई हमारी बैनी भाई के पास बनने भी गई हुई है, तो आज भी चल के भाई उसका भी सीन देखते हैं कि यार वो किधर तक पहुँची है। तो चलो आ जाओ भाई। सबसे पहले यार मैं जरा गाड़ी में बैठता हूँ ना, और गाड़ी बाहर निकालते हैं। गाड़ी स्टार्ट तो कर लिया भाईजान, निकालते हैं यार अब जरा बाहर। कस्टमर ने ना यार वैसे बड़ी प्यारी रेडी की हुई है, क्यों आप लोग बताओ यार जरा। और आप लोग समझ रहे होगे कि भाई ये एयर पे है। ओह नहीं नहीं, एयर पे की ड्रेस है यार ये, भाई बंदे ने यार डाउन कराई हुई है। आ जा बैठ जा फैजी, आ जानी बैठ गया भाई। अभी निकालना इधर से इसको, कोई आसान काम है। निकालते हैं ना जी, जैसी यार अंडर की थी वैसी भाई बाहर भी निकालेंगे। हाँ वैसे ही कर। अभी गाइस आपको बताती हैं भाई, हमने यार पहले अंडर कैसे की थी। ये तो भाई साइड से यार इतनी ऊंची जगह है ना, अगर यहाँ से उठा रहे हैं तो भाई लगेगी, ठीक है। इसका ट्रिक है ये जगह थी ना फैज साहब। हाँ यही थी भाई, स्लो से करके उतार। हाँ स्लो से करके उठा रहे हैं ना। चलो ये ड्रेस ना जरा आराम से उठ रही है, वैसे नहीं तो भाईजान थोड़ा मसला बनता है यार। जानी बहुत अच्छी गाड़ी है यार ये भाई, मैंने भी रखी है ना, बड़ी इंजॉय किया था मैंने। सही बात है, जितने टाइम इसको रखा था। हाँ मजे की गाड़ी है यार फैज साहब, फुल आपने तो रेडी भी की थी मुझे याद है। हाँ ये तो भाई माइकल अंकल ने भी तो रखी थी, भूल गया। हाँ पापा ने भी रखी थी भाई, पापा को एक डील में मिली थी ना शिष्टी, पापा ने भाई ले लिया। पापा को भी शौक था उन दिनों के भाई प्रोजेक्ट करने हैं, प्रोजेक्ट। हाँ भाई अब माइकल अंकल बिल्कुल चुप है भाई, आजकल कोई नहीं अब भाई, वैसे उनके वो शौक नहीं रहे यार। पहले तो भाई याद है कितनी फिट यार रीबर्थ बनाई थी पापा ने। हाँ बिल्कुल जी भी मुझे याद है भाई। क्या कर रहा है? अरे ड्रेस निकालती है ना भाई, और ट्रक वाले हो शबर कर ले। अभी चलती है सीधा भाई ड्रेस सबसे पहले बैनी के पास। हाँ ठीक है, गाड़ी तो क्योंकि वैसा भी भाई साफ हुई भी है। हाँ गाड़ी तो भाई हमने साफ कर ली है यार, अभी इसको वॉश कराने की जरूरत नहीं है। वैसे भाईजान ये है कि बैनी जो है ना भाई, अगर समझेगा तो यार वॉश भी करा लेगा, पास ही है सर्विस स्टेशन, दूर तो है कोई नहीं। और उसको भी गाड़ी चलानी तो आती है। वैसे मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाईजान बैनी को जो गाड़ी हम दें ना, बिल्कुल सारे काम करा के दें, ताकि भाई वो ड्राइव ना करे। क्योंकि ये तो अब चलो यार कस्टमर की गाड़ी है ना, इसका ज़्यादा रिस्क है। मैं अपनी गाड़ियाँ भी भाई नहीं देता यार वैसे। चलो शुक्र है इधर भाई ऐसी कोई जगह नहीं जिधर नीचे लगे गाड़ी। आ जाओ जी अंडर लेके चलते हैं यार इसको, और चेक करते हैं भाईजान हमारा किधर तक पहुँचे है यार, जो प्रोजेक्ट इसके पास चल रहा था। ठहरो जी इधर लगाते हैं ना बैनी भाई, फिर इसको शट कर लेंगे। अरे फ्रैंकलिन भाई आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रैंकलिन भाई। हाँ मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जिमी? हाँ जी मैं तो ठीक फ्रैंकलिन भाई, आप किधर आए हुए हो? हाँ मेरे भाई मैं इधर आया हुआ था दुकान पे। हैं आप क्यों आए हुए थे बैनी भाई की दुकान पे? हाँ मेरे भाई ये मेरी दुकान है जिमी। है आपकी दुकान क्या मतलब? ओहो मतलब जगह मेरी है, बहनी इधर किराए पे रह रहा है। अच्छा ना करो, सही बात है। हाँ मेरे भाई बहनी ऊपर गया ना, वो किराया उसने देना था, आज 2 तारीख है ना, इसलिए मैं आया था किराया लेने। ओ अच्छा 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 फ्रैंकलिन भाई, ये अपनी भाई है यार मेरे, बड़े अच्छे बहनी भाई, ख्याल रखना इनका थोड़ा। हाँ मेरे भाई बहुत अच्छा बंदा है, मैं खुद इसका बड़ा ख्याल रखता हूँ। हाँ जी बस खास ख्याल रखना, सही है। हाँ मेरे भाई तुम बताओ जिमी खैरियत? अरे हमारा तो भाई काम शाम चलता रहता ना, अभी एक गाड़ी लेके आया हूँ भाई, बैनी भाई को देनी है जरा थोड़ी यार, टियार श्यार करनी है इस पे काम। हाँ मेरे भाई अच्छा। अरे बाटों बाटों में तो याद ही नहीं रहा कि भाई ये तो चेक करें जरा, जो इसके काम होने वाले थे
अभी आपने तो भाई अभी देखी है ना, ये हमने फुल भाईजान तैयार करवा दी थी गाड़ी, ठीक है, टू डोर में भी कन्वर्ट कर दी थी। और चेक करो यार, क्या यार वैसे यही बात है, रॉकेट लग रही है, रॉकेट देख रहे हो, छोटी सी गाड़ी है लेकिन ओए होए फ्रैंकलिन भाई कैसी लग रही है यार ये येलो वाली गाड़ी, देखी है? हाँ हाँ मेरे भाई, मैं अभी यही देख रहा था कि यार सोच के बनाई है आखिर किसी बंदे ने। और किसी बंदे ने किडर से बनाई है? मैंने बनाई है भाई, ये सारी मेरी प्लानिंग और मैंने काम किया है। अच्छा ना करो। हाँ जी, कस्टमर की गाड़ी थी यार, वो मैंने रेडी की है। हाँ मेरे भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बनी है यार। बस फ्रैंकलिन भाई, फिर जब मैं काम करूँ तो आपको पता है ना फिर। हाँ हाँ मेरे भाई, ये तो है। अच्छा अभी यार जो इसके काम होने वाले थे, मैं अभी आपको बताता हूँ यार, ये जो है ना भाई ब्लैक पोर्शन नीचे ये पेंट होने वाला था, ठीक है, ये भी भाई कर दिया यार बैनी ने, वो भी बेस्ट हो गया यार, कस्टमर को भी अब पसंद आएगी ना। आप लोग बताओ गाइस कैसी लग रही है, अभी बाहर लेके चलते हैं ना, फिर आपको मैं चेक कराऊंगा, ठीक है यार। किड रहे बैनी, क्या रहे ऊपर गया हुआ है यार? फ्रैंकलिन भाई किड रहे भाई बैनी यार? हम मेरे भाई आ रहा होगा, जिमी ठहर जाओ, सब्र कर लो थोड़ा, नहीं तो तुम चले जाओ यार, मैं उसे बता देता हूँ। अरे मैं किडर से जाऊँ भाई, अब उस गाड़ी की मैंने चाबी लेनी है, ये वाली जो गाड़ी है इसको दे के जाऊँगा और वो येलो वाली यारिश ले के जाऊँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर होगा, ठहरो मैं बता लाता हूँ। अले लील देख ला था ऊपर बैठते यार अथल में, अले दिमी भाई भी आए दे हैं। अस्सलाम वालेकुम दिमी भाई। हाँ वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी बैनी भाई, ठीक हो? दी दिमी भाई मैं थी, तो आप बताओ कैसे हो? हाँ मैं भी सही, आप तो क्या हाल है दी फैदी भाई? हाँ ठीक ठाक, तुम बताओ भाई कैसे हो बैनी? हाँ दी मैं भी थी दिमी भाई, ताम तै तले डाली मैंने ले दी तल दी है। हाँ मैं देख लेता हूँ बैनी भाई, जबरदस्त हो गया यार, अब ये दूसरी गाड़ी भी ले आऊँ जिसका वो बताया नहीं था पेंट कुरेक्शन करनी है। दी दिमी भाई याद है याद है, बस वो आपने काम कर देना अब, ठीक है, बाकी वो किड रहे चाबी उसकी दिमी भाई डाली ते अंदर लदी है, चलो सही है अथा फ्रैंकलिन भाई इतना बाला डालना। अब मेरे भाई इस दफा तुम ऐसे करो, मुझे 10,000 दे दो, चलो ठीक है। अले त्यों फ्रैंकलिन भाई? दे दो खैर है यार, अब तुम जिमी के भी वाकिफ निकल आए हो। अले आप जिमी तो जानते हैं? हाँ जिमी को जानता हूँ भाई, क्यों नहीं जानता यार, अपने समझ लो रिश्तेदार है। अच्छा है दिमी भाई, सही बात है जी जी सही बात है यार, फ्रैंकलिन अपने भाई हैं यार, क्या हो गया बैनी भाई? वाह क्या बात है दी, ये ले फ्रैंकलिन भाई ये ले दी 10,000। हाँ मेरे भाई 10,000 दे दो यार, तुम आइंदा भी तुमने 10 ही देना है। चल आज हम तो निकलते हैं। ओके जी फ्रैंकलिन भाई सही है फिर। हाँ मेरे भाई ठीक है जिमी, फिर ओके ओके सही है बैनी भाई, जब काम हो जाए ना मुझे मिस बैल मार देना। दी दिमी भाई तो ही मतला ही नहीं है, मैं ताल दूंगा। ओके हो गया जी, चलो गाइस इसको लेके निकलते हैं यार, फिर कस्टमर को बताएं कि उसकी गाड़ी रेडी हो गई है, आपको बाहर चल के दिखाऊं है। अभी एक मिनट ठहरो यार, पहले जरा इसको ना बाहर निकालते हैं। आज हो जी आज फैश आप बैठो भाई, अंडर से चेक करो ना, पहले आपको दिखाता हूँ जो टू शीटर हमने से कन्वर्ट किया है, ये देख रहे हो शीट्स पूरी हमने ना इसकी भाई चेंज कर दी है। आ जाओ जी फैश आप बैठो। अभी आपको चेक कराते हैं भाई बाहर चल के यार, जो जो हमने इसमें चेंजिंग की है ना, जो क्या भाई सब कुछ ही चेंज है इसमें। अब तो क्या कर रहे हैं फैजी, उठ रहे आना भाई। ओए ओए फैजी यार क्या कर रहा है ये फैशा, फिर मजा करा रही है ना गाड़ी, अब फुल होगी अंडर से आ जानी, जबरदस्त होगी अब भाई जिमी साहब, मैं कहता हूँ कमाल। चलो जी बादशाह, अब इसको यार इधर से बाहर निकालते हैं, फिर गाइस मैं आपको ना चेक कराऊंगा बाहर चल के, और देखते हैं जरा जो बैनी भाई ने काम किया है। छोटी सी गाड़ी है लेकिन भाई जिमी साहब ओए मैं कहता हूँ ज़बरदस्त सीन हो गया, जैसी अब रेडी हुई है। हाँ ना भाई क्या जबरदस्त बन गई है, मैंने जैसे तुझे बताया था ना कि भाई मेरी प्लानिंग चल रही है कि जैसी स्विफ्ट रेडी की है ना ऐसी भाई कस्टमर को भी रेडी करके देंगे। तो चेक करो भाईजान फिर क्या बना के दिए एक दफ़ा कस्टमर को, पता चलेगा आखिर उसको भी। अब फैश अब ठहरो जरा, मैं भाइयों को बाहर से दिखा दूँ, तू गाड़ी में बैठ बेशक। हाँ ठीक है भाई, चेक करा तू भाइयों को, मैं अंदर थोड़ा इसका ये डिस्प्ले से देख रहा हूँ। हाँ देख तू। अभी गाइस आपको चेक कराते हैं यार जरा गाड़ी
बाहर आ गया ना, अब जरा चेक करो भाई कैसी लग रही है फिर है। लाजमी बताओ भाई ये वही गाड़ी अब लग रही है कि कोई नहीं, फील ही नहीं हो रहा कि भाई ये कोई छोटी गाड़ी है यार। वैसी इसकी किट्स वगैरह हमने डिजाइन की है ना, अब हर गाड़ी की ना भाई शेप के हिसाब से मॉडिफिकेशन होती है ना। अब स्विफ्ट की जो किट्स हैं वो उसके हिसाब से भाई हमने की है, उस पर स्पॉयलर भी वही लगाया है, लेकिन कस्टमर ने कहा है कि भाई जान इस पर ना ये वाला स्पॉयलर लगाते हैं, उसी स्टाइल का ही है लेकिन भाई थोड़ा हमने ना छोटा स्पॉयलर लगाया है। स्विफ्ट तो फिर आपको पता है पीछे से भी यार जरा थोड़ी वो ऐसी फैट फैट सी है ना, इसलिए भाई जान फिर उस पर मैंने वो दूसरा स्पॉयलर लगाया था। बाकी ये भी भाई पीछे से अच्छी खासी बड़ी होगी है, अभी लेके चलते हैं ना वर्कशॉप पे, आपको चेक कराऊंगा फिर कंपैरिजन करके प्रॉपर वाला सही है। अभी चलो बैठते हैं जी। जिमी साहब गाड़ी को जरा करना भी है भाई, कोई चमकाना शाना है यार, चमकी भी है भाई साहब, क्या चमकाना है यार इससे अब और ज्यादा। हाँ ये तो है भाई, चमकी भी तो बड़ी फिट है। मैं तो कहता हूँ जिमी इसको जरा हाईवे पर ले आकर चल भाई, थोड़ा चेक करते हैं। हाँ लेके चलते हैं भाई, लोगों को भी पता चलेगा आखिर के भाई जान कोई गाड़ी आई है यार ऐसी वैसी भाई। जब एक दफ़ा यहाँ से हाईवे पर चढ़ने दे बस तू, लोग हैरान हो जाएंगे कि भाई ये कौन सी गाड़ी आ गई है। हाँ ना जिमी साहब, पहले ये है कि भाई चलो हमने स्विफ्ट रेडी की थी ना भाई, तो लोगों को पता चला कि अच्छा ये मॉडिफिकेशन भी होती है। अब देख भाई ये एक दफ़ा तैयार किया ना, ओए होए होए, इसके बाद तो भाई जान छोटी गाड़ियों का रश, जैसे कहते हैं ना रश पड़ जाएगा सही। हाँ फैजी बिल्कुल यार, बस ऐसे ही हो, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि भाई ज़्यादातर ना देख रहा है यूथ है, यूथ यार ऐसी गाड़ी फिर पसंद करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसी बात ये यार। मैं तो कहता हूँ भाई जान जिमी साहब अपनी भी कोई ऐसी गाड़ी ना रेडी करते हैं, ठीक है, और वो गाड़ी भाई पार्क कराते हैं माइकल अंकल के शोरूम पे। जो भी माइकल अंकल के शोरूम से गाड़ी खरीदेगा ना, आखिर भाई पूछेगा ना कि किसने रेडी की है, उस तरह भी पता चलेगा कि हमारी भी शॉप है यार। वो पापा वैसे भी कह रहे थे कि भाई उन्होंने ना वो जो भी गाड़ियाँ वगैरह सेल करनी होती है ना, तो बता दिए लोगों को कि भाई जान हमारी अपनी शॉप भी है, मिनी मैकेनिक, एड्रेस भी बता दी है। अच्छा तो इसलिए भाई वो कस्टमर ने जो भी अब कराना होगा ना वो हमारे पास ही आया करेगा। ओए जिमी साहब ड्राइव चेक करो यार गाड़ी की, यार ड्राइव तो फैस अब कटूँ, मज़ा आ रहा है यार अब इसको ड्राइव करते हुए। लोगों का इम्प्रेशन देखना जरा, शीशा नीचे कर, जाने दे यार क्या अब शीशा नीचे करूँ, खैर है इम्प्रेशन क्या लोग देखेंगे ना जरा भाई, गाड़ी अब पता चल रही है आखिर कोई गाड़ी आई है। हाँ ना भाई साहब बंदे का भी शौक है यार, वैसे छोटी गाड़ी को उसने ऐसा रेडी किया ना। हाँ तो मैंने जो रेडी किया भाई स्विफ्ट को, वो भी तो छोटी गाड़ी है देख तू। हाँ हाँ बस यही बात है ना जी, सेंस होती है ना, जब हमारी यार शॉप नहीं थी ना उससे पहले ऐसी मॉडिफिकेशन किसी को भी नहीं पता था इधर, है ना, लेकिन हम अब ट्रेंड लेके आए ना तो लोग इसलिए भाई पसंद कर रहे हैं ये चीज़। हाँ जी ऐसे ही है जिमी साहब, बिल्कुल ऐसी है यार फैजी गाड़ी की, यार पिक चेक कर तू भाई। जिमी साहब नई गाड़ी आना यार, फिर यार जबरदस्त भाई जबरदस्त, बोर्ड भागती है ये तो, अरे टॉप मार, कितना टॉप है इसका, नहीं टॉप नहीं मार सकता भाई, रश भी बोट है। वो देख आरपीएम कहाँ उठा के लेगी या भाई, ओए होए होए स्लो ही चले यार एमी फाई साहब, लेने के देने ना पड़ गए भाई, कस्टमर की गाड़ी है ना। बस ठीक है जिमी साहब चेक हो गई है, उतार लो नीचे इधर से। हाँ ऐसी कारूँ भाई, उतार ही रहूँ, चेक होगी है भाई, एक जो हम हाईवे पे जरा लेके जाते हैं ना भाई, टेस्टिंग हो जाती है गाड़ी का, पता चल जाता है एकदम कि गाड़ी में कौन कौन से काम होने वाले हैं। लेकिन इसका तो भाई ओके का सीन है, ओके कोई चक्कर ही नहीं है भाई, ये तो बस जाके हमने सिर्फ भाई पिक्चर्स वगैरह लेनी है, ठीक है, लगाएंगे अपनी वेबसाइट्स पे और शॉट ही भाई कस्टमर को, मेरे ख्याल से पिक्चर नहीं बेचता भाई साहब, उसको कहते हैं कि भाई आ जाओ शॉप पर गाड़ी रेडी है। हाँ पिक्चर ना भेजी भाई, सस्पेंस थोड़ा क्रिएट करते हैं। हाँ लेकिन अगर उसने मांगी तो फिर भेजनी पड़ेगी ना। हाँ ये भी है भाई, भेजनी तो पड़ेगी फिर अगर वो कहेगा तो। हाँ देखते हैं चल, अब इसको देखना भाई ये उधर से चढ़ जाएगी जिमी, ये तो अब जी देखना पड़ेगा यार जाके, ठहरो जी चेक करते हैं दृश्य। अरे ना चढ़ा इधर से ना चढ़ा जिमी, वो लगेगी नीचे लगेगी यार, नई किट है सारी। हाँ कह रहा तू सही है यार, तू वैसे अभी अंडर लेके जाने के यार फायदा भी नहीं है, काम नहीं है ना गाड़ी में कोई, यहाँ ही लगा देते हैं बैक पे, अभी बैक पे लगा दे यार इधर ही जिमी साहब, बैक करके लगा दो।
ऐसी कारू भाई, ईडर लगाते हैं ना साइड पे करके और अपनी स्विफ्ट भी भाई लेके आते हैं। जैसे कि मैंने गाई से आपको बताया था ना कि यार जब एक दफ़ा ये गाड़ी रेडी होने दो ना, फिर इसको हम पार्क करेंगे अपनी स्विफ्ट के साथ। अब आपको मैं चेक कराता हूँ भाई जान, जब दोनों गाड़ियाँ यार अब पार्क होंगी ना इधर, ओए होए होए हो, क्या लेवल की लगेंगी यार दोनों, बस देखना आप लोगों ने। आज हो जी अपनी स्विफ्ट लेके आते हैं यार, आज हो जी। अब इसको बायर लगाते हैं ना यार, इसकी एक अपनी जगह लुक है, उसकी अपनी जगह लुक है, दोनों गाड़ियों को हम कंपेयर नहीं कर सकते ना। लेकिन वैसे अगर देखा जाए ना उस तरह, तो भाई जान मैं कहता हूँ दोनों लेवल की मॉडिफाई हुई हैं। भाई साहब आप बताओ आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है? जानी तेरी वाली बात, दोनों अपनी जगह जो है ना भाई अच्छी है। हाँ ये तो है, उस पर देख भाई उस बंदे की मेहनत लगी है, ठीक है उसकी मेहनत क्या भाई, मतलब उसका पैसा लगा है ना जिमी साहब। हाँ ये तो है, तो इस तरह भाई तेरा पैसा लगा है इस गाड़ी पे, तो इसलिए भाई कोई भी बंदा ऐसे कह नहीं सकता कि भाई ये अच्छी है या वो अच्छी है, दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ बिल्कुल, ओ यार इन्होंने क्या ये ग्राउंड बनाया हुआ है भाई, क्या रोला हुआ है जिमी साहब, देखो ज़रा पता नहीं क्या सीन हुआ है भाई, ओए बड़ा शोर से, ओए ओए और देखिए वो ठोकेगा वो, ये क्या पागल ना ऑटो ये। अरे जिमी साइड पे हो जा, साइड पे हो जा भाई, साइड पे हो जा तू, मैं घोड़ा निकाल लूं, और नहीं नहीं तू घोड़ा ना निकाल, तू बस देख क्या कर रहे हैं ये लोग, कोई इनका मेरे ख्याल से कोई ऑपरेशन चल रहा है, कोई पकड़ना था किसी को तो पकड़ लिया शायद, पता नहीं क्या सीन है भाई। ओए खैर हो भाई, क्या हो गया भाई, पुलिस फैली हुई हो, वो मार दी है मेरे ख्याल से सामने उसे। अरे जिमी छोड़ भाई, आज हम वापस चलते हैं, छोड़ इन्हें, क्या कर रहे हैं, ठहर दिखने दो डे भाई, ठहर पूछने दो भाई, भाईजान क्या हुआ है भाईजान, अरे छोड़ दे जिमी छोड़ दे, चलो यार जाने दो भाई, छोड़ दे भाई इनको, अपना काम करने दे, तू अपने काम जा। हाँ चल छोड़ भाई, हाँ ये फजूल में जा रहा है तू उनके अंदर, इन्हें मैं वैसे पूछने जा रहा था भाई। अभी गई से आपको चेक कराती हैं भाई अपनी ना ये दोनों गाड़ियाँ। अरे इसके यार एक मिनट ठहरो, ये इंडिकेटर जो ऑफ हो गए, इसमें एक और फीचर भी है, अभी इसको ऑन करें जरा, ये रिमोट से स्टार्ट हो जाएगी, अभी देखना है एक मिनट यार, इंडिकेटर गया है ये, ओह स्टार्ट हो गया देखा है। और सबसे जो इसकी बेस्ट चीज़ है ना यार, वो मुझे लगी है इसका जो DRL नहीं है भाई, इसके अंडर इंडिकेटर आता है, वो बहुत प्यारे लग रहे हैं वैसे इसमें यार, वो ये फीचर नहीं है रिमोट वाला, इसको हमें अंडर बैठ के स्टार्ट करना पड़ेगा, ठहरो इसको भाई बैठ के हम स्टार्ट कर देते हैं। चलो जी आजो आजो, क्या कर रहा है, शबर कर जाना भाई, सिर्फ स्टार्ट करनी थी बस। चलो अब मैं आपको गाइस चेक कराता हूँ दोनों गाड़ियाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो भाई ये यार जो कस्टमर की यारश, ठीक है फ्रंट लुक इस गाड़ी की ये है, और फ्रंट चेक करो भाई हमारी स्विफ्ट की, स्विफ्ट के ऊपर खैर बात ही अलग है ना, उसकी यार शेप ही एक और है, वो इस वजह से ज़्यादा वाइड लग रही है। वैसे अपनी जगह देखी जाए तो भाई ये भी यार कम नहीं है, वैसे अच्छी लग रही है काफ़ी। बाकी बैक से भी आपको मैं चेक कराता हूँ, ये चेक करो भाई ये वो आ गई कस्टमर वाली गाड़ी, ठीक है, और उसके बाद ये आ गई अपनी स्विफ्ट, ये तो भाई कैमरे में आती ही नहीं है ना, इसके लिए तो बैक पर जाना पड़ता है। देखे मैं आपको ये कह रहा था ना, स्विफ्ट जो है पीछे से यार ज़्यादा ही देखे ब्रॉड है, वाइड सी है, देख रहे हो शाड़ी, और वो जो है जरा वो भी वाइड है खैर, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है ना। हाँ हाँ जी साहब ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त यार, बहुत प्यारी लग रही हैं दोनों गाड़ियाँ यार। मैं अब ये सोच रहा हूँ भाई इसको अंडर कैसे लेके जाएं, भाई अंदर लेके जानी है, लेके जानी पड़ेगी ना यार, खबर कर पहले मैं जरा कस्टमर को भाई कॉल करता हूँ ना भाई, उसे कहता हूँ यार आपकी गाड़ी रेडी होगी है, उसको तो बताए ना भाई, वो बेचारा वेट कर रहा होगा इतना। क्या सीन है भाई, पता नहीं नंबर नहीं मिल रहा यार इसका, क्या हुआ क्यों नहीं मिल रहा, देख पता नहीं क्या चक्कर है। चल दोबारा यार ट्विटर बाद ट्राई करता हूँ, एक मिनट फैश अब इसको बंद कर दो यार जरा, हाँ मैं करता हूँ भाई, तू स्विफ्ट बंद कर, हाँ मैं करता हूँ ठहर। कस्टमर ने बस कहा था कि भाई इतनी ऊंची साउंड नहीं चाहिए जितनी ये, अरे बंद नहीं हुई यार, ओ हो एक मिनट यार, इसका ये भी फीचर है ना असल में, आप ये बंद
कह रहा हूँ कस्टमर ने कहा था कि भाईजान इतनी ऊंची मुझे साउंड नहीं चाहिए जितनी आपकी स्विफ्ट की है, बड़ी नॉर्मल सी साउंड है भाई इसकी भी यार, अच्छी साउंड है, शूट कर रही है इस गाड़ी के शार्ट भी। पता नहीं कस्टमर किधर है यार, अभी फैशा बिट रही यार पार्क रहे ना, लेकिन रोला ये है कि भाई अगर बारिश होगी ना जिमी इसको बाइक किधर अंदर लगाएंगे फिर, बस कुछ करना पड़ेगा यार, फिर अगर बारिश होगी तो किधर लेके जाएं। तो भाई मैं कह रहा हूँ जिमी साहब इसको पकड़ते हैं ठीक है, यहाँ से निकलते हैं सीधा शोरूम वाली साइड पे, हाँ शोरूम वाली साइड पे उड़े तो भाई और लगेगी जाके, फिर क्या करना है भाई, कस्टमर को कॉल करके बोल के आज आ जाए यार, तेरे सामने कॉल किए दोबारा ट्राई कर लेता हूँ ठहर। नहीं नंबर नहीं मिल रहा यार, बात छोड़ फिर, ऐसे करते हैं गाड़ियां ले कर इधर से निकलते हैं, क्योंकि अगर बारिश शुरू होगी बड़ा रोल है, बाइक किधर इधर पार्क करेंगे ऐसे, ये तो अंदर भी नहीं जानी, किट तोड़ लेंगे हम इसकी अंदर करते करते। हाँ ये बात तो तेरी सही है वैसे, ऐसे कर तू निकाल स्विफ्ट ठीक है, इसको मैं ले कर आता हूँ तेरे पीछे पीछे, बस ठीक है ध्यान से चलाएँ किधर चलें, मैं तो कह रहा हूँ जिमी साहब शोरूम पर नहीं फिर, नहीं नहीं घर चलते हैं फिर, घर ही आ जा भाई, कस्टमर को कहूँगा गाड़ी में घर में ले गया हूँ गाड़ी ठीक है, आप घर से पिक कर लो, बस डन कर बस ठीक है फिर, चल आ जा फैजी मैं ये निकालता हूँ तू आ जा फिर, हाँ ठीक है तू निकाल मैं आ रहा हूँ, आ जाओ जी आ जाओ। चलो भाई जान निकलते हैं भाई शीडा यार, गाड़ियाँ लेके चलते हैं वो ठीक है यार, घर चलते हैं ना जड़ा बैठ रहे, आ जा भाई फैजी क्या कर रहे वो, आ जा हेलो भाई क्या कर रहे है। चलो जी फैश अब आ गए यार, पीछे पीछे आ रहे हैं तो बस अब गाड़ी को लेके चलते हैं भाई जान घर यार, अभी बारिश का रहा तो नहीं लेकिन फिर भी यार मैंने कहा कि भाई घर ले जाती हैं ठीक है, पता नहीं कस्टमर आज आता है कि नहीं, क्योंकि उसको मैंने बताया हुआ था कि भाई आपकी गाड़ी जो है ना ऑलमोस्ट मंडे तक हम देंगे, होशियारी बात है यार मुझे ये था कि मैंने कहा बैनिश के पास भी तो रश होगा यार, फिर उसको इतनी मैंने जल्दी नहीं डाली, लेकिन चलो ये तो यार बैनी का शुक्रिया है कि यार उसने काम जल्दी कर दिया ना, लेकिन अब कस्टमर पता नहीं अब क्या कर रहा है यार, शोर होगा मुझे तो लगता है वीकेंड इंजॉय कर रहा है। चलो गाड़ी चलती है, चलो भाई जान आप चाय पियो ना, मैं आपसे आके बिल लेता हूँ। ओ भाई याद आया यार गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं बारिश में, ओए देखो ना भाई बारिश लगी हुई है, आज सुबह से मौसम ऐसा बना हुआ था ना भाई, लग रहा था कि बारिश हो जानी है, गाड़ियाँ पहले मैं ऑर्डर लगाने लगा था लेकिन फिर यार मैंने ना गाड़ी बाहर लगा दी, व्हीकल ने अभी तक देखा नहीं है, वरना भाई मुझे आके यार बातें सुनाता कि गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं तूने देखा नहीं है, चलो ऑर्डर लगा देती हैं भाई सामने जाके, अभी चेक करो सर आपके टायर जो है ना सर पार्क करके आती हैं भाई गाड़ियाँ ऑर्डर ना शेड के नीचे। चलो जी व्हीकल वाली गाड़ी भी भाई इधर अंडर पार्क कर दी है, उसके बाद भाई सर डाले को भी पार्क करके आती है ना, ये बेचारा तो इतना गंदा हुआ है ना भाई, कल से यही चल रहा है, असल में बारिशें हो रही थी ना तो यार मैंने फिर ये निकाला हुआ था कल से, मैंने कहा भाई ये ठीक है यार बारिश में ना कोई मसला नहीं है, कच्चे पके का आराम सुकून से, असल में रोला मारा ही है ना भाई, गाड़ियाँ हमारी डाउन हुई हुई है ना, तो भाई ऐसी ऐसी जगहों पर पानी खड़ा होता है, बस फिर उधर तोबा करनी पड़ती है, फिर एक मिनट ठहरो भाई इधर से लगाते हैं ना इसको इधर सीधा करके, क्योंकि डाले का मसला ना भाई ये आडा बाहर रहेगा, खैर क्रूजर भी इस तरह लग सकती है यार है ना, हाँ क्रूजर भी भाई इसी तरह ही लगाता हूँ, ठहरो 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 इसको भी भाई इसी तरह ही लगाता हूँ जैसे डाला पार्क किया है, इसका फायदा ये है ना कि भाई पूरी शेड के अंडर आ जाएगी ना, चलो बस व्हीकल अब जब बाहर आएगा ना भाई खुश होगा देख के कि चलो यार मैंने अच्छा काम कर दिया सारा, अगर ना करता ना भाई उसने यार उधर आके अभी कैफे में ना मुझे गालियाँ निकालनी थी, कस्टमर भी बैठी होती हैं अक्सर कोई खाना पीना खा रही होती हैं
अच्छी बात नहीं है ना, फिर भाई क्या इंप्रेशन जाता कस्टमर्स पे। भाई साहब बारिश के मौसम में जब यार बंडाइडर से निकले ना और ये गाड़ी हो तो भाई फिर निकलने के एक ट्रिक आउट है, आपने देखना है अभी। और भाई देखी जिम्मी ट्रैफिक स्पीड में आ रही है पीछे से, और नहीं नहीं कोई चक्कर ही नहीं है भाई, अभी तू चेक कर बस। ओए होए देख रहे हैं फिर लोग भी आकर देखेंगे ना कि भाईजान कोई बंडा आया है। हाँ लोग तो आज तुझे ही देखेंगे, सिर्फ पहले भी तुझे ही देख रहे थे जब तू वो भाई क्या नाम है यारस लेकर निकला हुआ था येलो वाली, तब भी और अब भी। अब तो शहरी बात है भैया, तुझे ऐसे मैंने निकाली है ना। ओए उन्होंने कहा ना साई कोई जंगली आया शोरूम पे। हाँ क्या ने, हाँ सही बात है भाई, सही बात है, हम भी जब ऐसे देखते हैं तो हम भी कहते हैं। अरे शबर कर भाई, इसको किधर लगाऊँ, अंडर ही ले जाऊँ, अरे इधर लगाना भाई। हाँ ठहर भाई, पापा ने भी जहाँ गाड़ियाँ लगाई हैं ना, है इधर लगाते हैं भाई, आ जाएगी, आएगी ना, क्यों नहीं आएगी भाई। चलो जी बेस्ट है भाई, इधर पार्क रे, आ जाओ फैज साहब, निकला ना ओए, तुझे स्पेशल इनविटेशन दूँ आके, क्या कर रहे हैं भैया तू, आ जा ना जरा भैजी। चल भाई आ रहा हूँ, पता नहीं क्या चीज है भाई, आ ही नहीं रहा यार। हाँ चल आ गया हूँ, किधर गया था, अरे फोन नीचे गिर गया था यार, वो उठा रहा था। ओ अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जिमी, आ गया भाई। हाँ भाई जिमी, तुम लोग किधर? पापा बस वैसी भाई, सोचा जरा आज है, थोड़ा टाइम था आज तो। थोड़ा टाइम क्या भाई, 3-4 दिनों से इधर ही थे। अरे भाई मतलब सोचा कि आज हटे हैं। अरे क्या बात है जी यार, ये बड़ा प्यारा कलर है पापा। हाँ कैसा है, नेचुरल टाइटेनियम है ये इसका, ये नेचुरल टाइटेनियम नाम है। मतलब मेरा ये है कि भाई ये नेचुरल टाइटेनियम कलर है जो तुम्हारे मोबाइल वाला है। हाँ मैंने अभी मोबाइल जो लिया है वो इसी कलर का ना। हाँ बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। क्या बात है जी, मेरा मोबाइल गई सेम इस कलर का यार, नेचुरल टाइटेनियम लिया ना भाई ने जो, सेम ऐसे ही है। फैजी देख जैसा मेरा मोबाइल है ना उसी कलर की भाई गाड़ी भी आई हुई है शोरूम पे। हाँ तो ले लेना भाई, ले ले। और ये डॉक्टर साहब की गाड़ी का क्या सीन है, कोई खबर है डॉक्टर साहब की? हाँ पापा की बात हुई थी ना कल, कह रहे थे कि बस वापसी हो जाएगी भाई अगले हफ्ते। अच्छा तो एक हफ्ते इधर ही गाड़ी बंद है इनकी। अब पापा ने एंटर करवा दिए, पहले बाहर ही खड़ी थी भाई, 2 दिन बाहर खड़ी रही। अच्छा ना कर। हाँ बंडर लगवा दिए पापा ने इसीलिए। पापा क्या कोई हेल्प की जरूरत है आज कोई काम की? काम बस यार, बारिश है असल में, कस्टमर आ जा रहे भी नहीं है ना जरा, बारिश में तो तुम्हें पता है फिर। हाँ ये बात तो है, बारिश में सारी बात, तुम जैसे जंगली भाई रोडों पे होते हैं ऐसे कोई सीरियस कस्टमर को कोई भी नहीं होता। अच्छा यार टयाबू चुप करो भाई आप, ऐसा भाव ऊपर चलते हैं भाई, ऊपर बैठते हैं। अच्छा ऊपर चल भाई, मैं आ रहा हूँ। चेक करो यार क्या वाइब लग रही है भाई, पिक्चर लें जरा। ओह क्या बात है, जरा पिक्चर लेते हैं भाई इधर से यार। आय हाय क्या बात है, जबरदस्त भाई, बहुत फिट लग रहा है भाई अपना यार, ये जो हमारा ट्रायो है ये। हाँ भाई सेल्फी लेते हैं भाई इधर। हाँ ले लेते हैं भाई, कैसा लेनी है? ठहर मैं इधर खड़ा हो तू ना इधर, तू किधर से आएगा यार, एक मिनट शबर कर देखने दे थोड़ा। अरे इधर तो बारिश है भाई। अरे खड़ा हो जाए यार पिक्चर के लिए, खैर थोड़ी सी देर की बात है। अच्छा ठीक है भाई, बस टस्टी भाई सेल्फी लेते हैं ठीक है, उसके बाद तो भाई साइड पे हो जाएंगे। इधर से ये तो यहाँ से ये फैजी भी आए और गाड़ियाँ भी आ रही हैं बैक से। चलो जी ले लिए फैज साहब, ये चेक करो भाई। हाँ अच्छी आ रहे, अंदर होके देखो पानी जाएगा मोबाइल में। हाँ अंडर हो गया हूँ, ये ले चल अंडर हो गया हूँ भाई। चलो पापा कह रहे हैं भाई आज तो यार अभी कस्टमर जाए कोई नहीं, अब देखते हैं भाई जान आज का क्या शेड्यूल है यार। अभी उस बंडे का भी यार मैसेज आया, वो तो भाई अब गाड़ी लेके जाएगा 2 दिन बाद। अभी वो गाड़ी जो है फिर मैंने ना यार अपने घर भी पार्क कर दी है, उधर सेफ है ना भाई, वर्कशॉप में ना जरा सेफ नहीं थी।